टाइम ऑफ डिप्रेशन शॉर्ट बैक क्या हुआ था एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो अभी चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट और इसके बाद ब्रेकफास्ट करते करते मैं यूजुअली या तो कुछ अच्छे वीडियोस देख रही होती हूँ या बी के शिवानी को सुन रही होती हूँ या कुछ भी ऐसा जो भी मन कर रहा होता है सुबह सुबह, लेकिन माइंड फ्रेश करने वाली चीज़ देखती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे इन-लॉज वगैरह नहीं है, वो लोग एक दिन के लिए गए थे गाँव, तो सुबह ऊपर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनको पानी देने के लिए हम लोग गए थे एंड काफ़ी सारे प्लांट हैं। अभी हम लोगों ने क्या करके रखा है, ऊपर इस तरीके से ना ग्रीन कलर की ये लगा दी है ताकि जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत तेज़ सनलाइट आने लगी है और रोज़ वगैरह के जो पौधे होते हैं ना वो थोड़े से बर्न होने की टेंशन रहती है उनमें। तो यस, काफ़ी सारा पानी डालना पड़ता है, थक जाते हैं। वैसे ये ड्यूटी मेरे फादर इन लॉ की रहती है तो उनकी क्या सुबह सुबह मॉर्निंग में ही डालते हैं वो 7:30-8 o'clock पे, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और काफ़ी सारे प्लांट्स में पानी भी डालना होता है। अभी समर्स में हमारे जो रोज़ वगैरह हैं वो सब आना थोड़े से कम हो गए हैं, सिर्फ ये गेंदा वगैरह तो अभी भी आ रहे हैं बट जो रोज़ है वो नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद बस हम लोग फटाफट काम ख़त्म करके, मैं थोड़ी देर यहाँ पर ऐसी झूले में बैठी हुई थी, तब तक मेरी मम्मी छत पे कपड़े वगैरह डालने के लिए गई हुई हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली मैं आई थिंक मैंने कश्मीर व्लॉग जो ट्रैवल व्लॉग किया है ना, उससे पहले भी मैंने बहुत दिन पहले जो है मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाती हूँ बनाना बंद कर दिया था। एंड पूरे मार्च मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है, सिर्फ वही ट्रैवल व्लॉग किया है और आज 1 April है। लेट्स रिज्यूम माय वर्क अगेन बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। सो एक्चुअली क्या हुआ था बताती हूँ मैं आगे, मुझे एक्चुअली में क्या हुआ था, फिर फाइनली नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई एम बेटर। तो मैंने ना ब्रेक इसलिए भी ले लिया था बिकॉज आई वॉज forcing and pushing myself to work, जो मेरा करने का मन नहीं कर रहा था। काफी सारे लोग समझ गए थे कुछ टाइम से, you were seeing a sense of dullness in me and to be very honest, ये जो 1 month की feeling थी या 1.5 month की feeling थी ना, ये मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं फेस किया था, कभी भी नहीं। तो मेरे लिए भी बहुत अजीब था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन था जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से मोटिवेशन ऑलमोस्ट चली गई थी, जो मैं अभी डिस्कस करूंगी आगे आप लोगों के साथ में। तो यस, अभी हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपना समर रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फटाफट से शावर लेकर के आते हैं। सो
सो शावर लेने के बाद मैं अपने बालों को एयर ड्राई करती हूँ एंड बिकॉज समर्स आ चुकी हैं तो स्किन केयर करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगाने वाली हूँ वो है सनस्क्रीन। तो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मैं एक्वालॉजिकास ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन इन 80 ग्राम्स पैक। येस नाउ इट इज बिगर। री एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ट्वाइस और थ्राइस अ डे इज नेसेसरी। तो ये जो ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन है ये 80 ग्राम्स बिगर पैक में अवेलेबल है, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं विदाउट द वरी ऑफ इट्स फिनिशिंग ऑफ क्विकली। अनलाइक अदर सनस्क्रीन इन द मार्केट, ये जो ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन है ये कम्प्लीटली लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है एंड साथ ही साथ कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है ये आपकी स्किन पे। इसके जो की इंग्रेडिएंट है वो है पपाया, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। जो पपाया है एक्ट एज अ जेंटल एक्सफोलिएटर और आपकी स्किन टैन को ये रिड्यूस करता है, लाइट करता है डार्क स्पॉट्स को। विटामिन सी हेल्प्स फाइट हाइपरपिगमेंटेशन एंड करेक्ट अनइवन स्किन टोन एडिंग ग्लो। हाइलुरोनिक एसिड बाइंड वाटर टू स्किन एंड रिपेयर द मॉइस्चर बैरियर। इसके अंदर SPF 50 है और PA 4 times+ है। ये फ्रेग्रेंस फ्री एंड कलर फ्री है, इसके अंदर कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट एंड नॉन स्टिकी है, दैट गेट अब्सॉर्ब्ड इजीली विदाउट लीविंग माय स्किन ऑयली और स्टिकी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ स्किन, लुक्स ग्लोई एंड फीलिंग सॉफ्ट ड्यूई एंड प्लम। सो एक्वालॉजिका इज अ वीगन क्रूल्टी फ्री एंड क्लीन ब्रांड। इसके जो प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल है नायका, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा स्क्रीन पे दिया हुआ, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ ऑन aqualogica.in पर। तो एक्वालॉजिका नॉट ओनली ब्रिंग बैक द lost water to your skin but also to the communities in need of clean water. तो आप जब भी कोई भी product purchase करेंगे Aqualogica की website से, आप किसी की help कर रहे हो in need to get access to clean drinking water, जो कि एक बहुत ही अच्छा cause है। And उसके बाद मैंने यहाँ पर Mamaearth का lip balm लगा लिया क्योंकि मैं घर से ही काम कर रही हूँ तो बाकी और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है and my skin is literally glowy. तो yes, product check करना मत भूलिएगा आप लोग। काम के रेडी होने के बाद मैं 11 बजे अप्रॉक्सीमेटली अपना पीती हूँ मिल्क शेक, ये बनाना मिल्क शेक है। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत काम पे बैठती हूँ क्योंकि मैंने अब धीरे धीरे काम पे आना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली जो मेरे पेंडिंग मेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग चल रही थी वो सब चीज़ें सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट किया। काम खत्म करने के बाद आती है लंच की बारी, तो मैंने यहाँ पर दाल है और अच्छा बहुत सारा घी, अचार, सब्जी, रोटी और सैलेड खा रही हूँ मैं। उसके बाद आई एम अगेन गेटिंग बैक टू द वर्क। ओके गाइस, आई टुक माय नैप, आई टुक माय 4 o'clock वाला जो छोटा सा मैं फ्रूट खाती हूँ वो सब मेरा हो चुका है और आज से मैंने बेसिक अपना काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे मेन रीजन बताती हूँ कि मेरा जो काम करने का मन है वो क्यों नहीं कर रहा था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज ना, व्हाई यू वर्क, मतलब आप काम क्यों करते हो, पैसे के लिए भी कर रहे हो ना, ठीक है आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, सब चीज के लिए कर रहे हो, बट सेकेंड जो चीज आप जिसके लिए काम कर रहे हो दैट इज मनी। मैं पहले ही डिस्कस नहीं करना चाहती थी बट ज्यादा लेवल पे जा चुका है तो अब मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज अब मैं उनके साथ काम कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। सो देयर इज दिस एजेंसी, बहुत रेनाउंड एजेंसी है, द बेस्ट एजेंसी ऑफ इंडिया, कंटेंट क्रिएटर की एजेंसी की मैं बात कर रही हूँ। इनके साथ मैं लास्ट 3 years से काम कर रही हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल अगेन कि भाई उन एजेंसी ने मुझे लिटरली काफी सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन डील्स दी है। जो पेमेंट पॉलिसी है दैट इज 45 डेज टू 60 डेज की। आज काम किया है तो मुझे जो पेमेंट मिलेगा वो 45 डेज से 60 डेज तक मिलेगा। मैं ये मान के चलती हूँ 2 महीने बाद मेरा पेमेंट आने वाला है। कभी कभी होता है पेमेंट डिले हो जाता है, 2 की जगह 3 मंथ में आ जाता है, बट 3 मंथ मैक्स आ ही जाता है। उस एजेंसी में जितनी भी मेरी जो मेरे POC है, POC मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो देर इज वन गर्ल जिसके साथ मैं काम कर रही थी, टच वुड वो मेरे से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट में थी एंड शी न्यू मैं बहुत टाइम पे एकदम काम करके देती हूँ, लाइक परेशान नहीं करती काम कराने वालों को। वो जो हमारे फॉर्म वगैरह इनवॉइसेस वगैरह होता है वो बिल्कुल ऑन टाइम मेरा काम खत्म हुआ, मेरे इनवॉइस चले जाते हैं, मतलब ये सब मेरा एकदम सिस्टमैटिक होता है। जिसके साथ मैं काम कर रही थी ना वो बड़ी इंप्रेस रहती थी मेरे से। नाउ शी लेफ्ट कंपनी इन ऑगस्ट, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वहां से। ऑगस्ट की बात कर रही हूं मैं, लास्ट ऑगस्ट की, अभी मार्च अप्रैल स्टार्ट हो गया, राइट? तो क्या हुआ, ऑगस्ट से मेरा जो पेमेंट है जून जुलाई का वो पेंडिंग था। जून जुलाई वो बंदी वहाँ की आई थिंक पूरी मेन होल्डर थी जो काफ़ी सारा चीज़ें संभाल लेती थी, अब वो कंपनी छोड़ कर चली गई तो उन्होंने अपने जूनियर्स को सिखाया होगा। अब जूनियर्स भाई मतलब आप सोचो मेरा जो पेमेंट है वो 6 मंथ, अब 2-3 महीने तक का पेमेंट चलता है, आपका जुलाई से पेमेंट ही नहीं हुआ है और जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मतलब मेरे पास अकाउंट में 1 रुपया नहीं आ रहा है काम जो मैं कर रही हूँ इतना सारा। ऑब्वियसली आई एम वर्किंग फॉर मनी राइट नाउ, ठीक है, एंड आई एम एट अ स्टेज जहाँ पर डेफिनेटली मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, बिकॉज
मेडिकल एक्सपेंसेस अलग चल रहे हैं मेरे घर पे, फिर हमारा मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ. मतलब टच वुड, वी आर नॉट एट अ स्टेट जहाँ पर मुझे बहुत नीड है. आई हैव माई सेविंग्स बट स्टिल आई नीड दैट मनी फ्लो इन माई लाइफ एज वेल, राइट. तो वो मेरा जनवरी तक तो मैंने काफी पेशेंटली उसको हैंडल किया कि चलो ठीक है अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा. नाउ जनवरी तक जब नहीं आया जुलाई का पेमेंट, देन आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन. ऊपर से अब क्या हुआ है, अब मैंने क्या मतलब जो नई बंदी आई है उससे मैं लड़ रही थी अभी थोड़े दिन पहले की बात है. मैं उसको कॉल करके चिल्ला रही थी, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, तुम लोग अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. उसका मेरे को ये क्वेश्चन था कि तुम मुझे एक मेल भेजो कि तुम्हारी रिक्वेस्ट, तुम रिक्वेस्ट मेल भेजो कि तुम्हारी इतनी इतनी पेमेंट अभी पेंडिंग है 6 मंथ से, एंड फिर मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूंगी. तो मेरा उससे बहस इस बात पे हो रही थी, मतलब लिटरली मेरी बहस हो गई थी और मैं बहुत गंदा चिल्लाती थी. मेरी बहस इस बात पे हो रही थी कि एक तो साला मेरी पेमेंट है, तुम लोग डिले कर रहे हो, 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें एक पूरा भसड़ वाला मेल बना करके चिपकाऊं और तुम उसको पुश करोगे जो कि मेरा ही काम का पेमेंट है. तो अब वो बार बार बोले जा रही, नहीं नहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम हेल्पिंग यू हियर, ये वो फलाना ढिमकाना. और मैं इस बात पे अड़ी थी कि मैं मेल तो नहीं करूंगी, अगर मैं मेल करूंगी तो फिर मैं पूरे सबको लपेटे हुए टैग करके मेल करूंगी, ठीक है. जिस ब्रांड की पेमेंट तुमने अटकाई है मैं उस ब्रांड वालों को भी जानती हूँ, तो मैं उन लोगों को भी टैग करूंगी. बस फिर अपना उठाया मेरा दिमाग सटका, मैंने कहा चलो अब मैं इसको मेल ही करती हूँ. फाइनली नाउ आई गॉट मेल कि वो 31 मार्च तक मेरी पेमेंट कर देंगे, बट आज 1 अप्रैल हो गया, आई एम जस्ट वेटिंग बिकॉज उन्होंने 1 वीक का मुझसे टाइम मांगा है. दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन. अब आप इसमें इमेजिन करो कि वॉट इफ अगर मेरे अंडर 2-3 एम्प्लॉयज होते तो मैं उनको कैसे पे करती. ये तो चलो ठीक है, आई एम अ 1 वुमन आर्मी, मेरा अपना खुद का ही सिस्टम है, मुझे जब करना होता है ये, मतलब मेरे को इतना ज्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं है, सर पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है पैसों का. वॉट इफ अगर मेरे इससे कुछ सैलरीज जा रही होती या मेरा कुछ EMI जा रहा होता या मेरा कुछ भी चीज़ मंथली वाला जा रहा होता, तो मतलब मैं तो पागल हो जाती. तो मुझे ना एक वो जो होता है ना मन उठ जाना, एकदम से वो हो गया था कि यार अभी 1.5-2 महीने मुझे ना अभी काम ही नहीं करना है, पहले मेरे को मेरे पैसे निकलवाना है, उसके बाद देखूंगी मुझे क्या करना है. अभी थोड़ा चीज़ें सॉर्ट अब मुझे लग रही हैं क्योंकि जब मैंने इतना ज़्यादा एक्शन लिया, सोचो मेरे को मेरे पैसे निकलवाने के लिए इतना, एंड द अमाउंट इज़ नॉट लेस. ऐसा नहीं है कि 50,000 या 1 लाख की बात है, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग अमाउंट जो मेरा अटका हुआ है. तो ये एक रीज़न था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम करने का. और दूसरा रीज़न ये था कि मैंने ना अपने 2-3 मतलब सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर किया था दैट मेरे को मन नहीं कर रहा अभी काम करने का. तो क्या होता है ना, आप जैसे आप अपनी मन की बात किसी से शेयर करते हो तो सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ वो रखता है, व्यू रखता है. तो समवन सेड मी कि भाई तुम्हें सिम्टम्स सुन करके कोई मुझे क्या बोलेगा, यू नीड टू चेक विद अ डॉक्टर, अ साइन ऑफ डिप्रेशन. अब जब मैंने ये सुन लिया तो मेरे दिमाग में आ गया कि बाप रे मैं कहीं सच में इस जोन में तो नहीं जा रही हूँ. अब उस दिन थैंकफुली क्या हुआ, मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी. ऐसे माहौल में आपके पास अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है. उस दिन मेरी फ्रेंड से बात होती, शी इज इन अ मेडिकल फील्ड, मैंने उसको बताया तो वो मुझे बोलती है, कहती है कि तुझे ना अपना विटामिन डी एंड विटामिन B12 चेक कराना चाहिए बिकॉज उसको भी ये प्रॉब्लम हो चुका है. तो मेरे को ये इशू है कि मेरा विटामिन B12 और विटामिन डी पहले भी जब मैंने चेक कराया था ना तो मेरा कम निकलता था. तो उसने मुझे बताया कि डी ज्यादा इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से भी तेरे को इशू हो सकता है. ये पता चल गया था या तो मुझे बर्न आउट हुआ है या फिर मेरे को ये दो चीज़ों की डेफिशिएंसी हुई है. बर्न आउट के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और एक्चुअली मैं जो चीज़ें उसमें लिखी थी वो सब चीज़ मैं फील कर रही थी. तो उसका सिर्फ सबसे मेन सोल्यूशन होता है दैट यू नीड टू टेक ब्रेक फ्रॉम योर जो आपका रिजिड रूटीन होता है उससे आपको ब्रेक लेना है. फीलिंग लिटरली बेटर, आई एम एट अ वेरी बेटर मेंटल स्टेट राइट नाउ. आप देख भी सकते हो वो जो स्पार्क एक सब बोल रहे थे चला गया है, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज ऑफ फ्रॉम योर फेस, ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते रहते थे कंटिन्यूसली. और मैं ना लिटरली सोचती थी कि यार बताओ मेरे सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे हैं कि उनको वो फील हो रहा था कि देर इज समथिंग मिसिंग. इवन माई फ्रेंड्स कैन नोटिस दैट थिंग कि समथिंग इज ऑफ अबाउट यू, यू आर नॉट एक्चुअली द काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको हम जानते हैं. और कुछ मतलब मेरे से बात भी करी है सब मेरे दोस्तों ने कि क्या फीलिंग, क्यों ऐसी हो रही हो. मैंने ये सोचा था जब मैं ठीक फील करने लगूंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था. और यस, अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि अब क्या हो गया ना, क्योंकि 1 महीने का गैप हो गया, 1.5 महीने का गैप हो गया. सो आई लिटरली लॉस्ट टच विद कॉन्टेंट का, जितना दिमाग में था वो सब मेरा गायब हो गया. तो प्लीज डू लेट मी नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ
videos you want to see. Obviously vlog तो ठीक है, but उसके अलावा कोई particular topic you want to see, just do let me know. और अब शाम हो चुकी है, शाम का dinner करने वाली हूँ मैं जल्दी, बहुत time पे, इसलिए मेरा एकदम routine proper चल रहा है. अब खाने पीने में मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. इस time पे मेरे पापा भी पार्ट करने के लिए यहाँ आने वाले हैं. मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में. हेलो एवरीवन, सो टुडे इज नेक्स्ट डे. आज है 2 अप्रैल और आज संडे है, तो विक्की आ चुका है अपने गांव का वो सारी चीजें करके. आज मैं और विक्की जा रहे हैं मॉल. बहुत टाइम से मैंने मॉल में जाकर के शॉपिंग नहीं करी है. शॉपिंग इन द सेंस भी मतलब देख के आऊंगी थोड़ा बहुत क्या कलेक्शन आया है, कुछ पसंद आएगा तो ले लूंगी. मुझे एक्चुअली फुटवेयर लेना है, तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब कि लेना ही है. पसंद नहीं आया तो छोड़ दूंगी, पसंद आया तो ले लूंगी. वेस्ट साइड से परचेज किया था जब मैं मुंबई गई हुई थी फरवरी में. दिस इज द फ्रॉक विच आई एम गोना वेयर इट. चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. सो दिस इज माय ड्रेस. सच बहुत ही अच्छा समरी कलेक्शन है ये. सो यस, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. बैग में आई एम कैरिंग माय दिस शॉर्ट बैग. इस बैग का दुख यही है कि इसमें कभी कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक वॉलेट और एक मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं आता है लिटरली. चलिए चलते हैं, लेके चलती हूँ आपको अपने साथ मॉल. ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं और आज का वेदर भी ऐसा थोड़ा क्लाउडी सा हो रहा है भोपाल में तो. और मुझे सुनने में आया परसों के दिन मुंबई में भी बारिश हुई थी, तो बड़ा ही बेकार वेदर है. मतलब लोग इसको बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं बट एक्चुअली में बहुत बेकार वेदर है ये. तो फार्मर्स हैं, उनसे पूछे कि उनकी क्या कंडीशन हो रखी है, वैसा है. तो अभी हम लोग निकल गए हैं डीबी मॉल के लिए. हम लोग आ गए हैं. मैंने मॉल में कुछ शूट नहीं किया एक्चुअली, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था. मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे मिला ही नहीं जो मैं लेने के लिए गई थी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया. और फिर आज रश भी बहुत था, संडे था. तो ये पता नहीं मेरे साथ है या आप लोग भी मुझे बताना आपके साथ भी ये सेम सिचुएशन है क्या, कि मुझे ऑफलाइन शॉपिंग करने में मजा एक तो आना बंद हो गया है जो मेरे को पहले आता था बहुत ज्यादा, और दूसरी चीज मुझे अब समझ में भी नहीं आता है. मतलब लिटरली मैं ब्लैंक हो जाती हूँ. और जैसे अब मैं मुंबई में जाती हूँ ना, तो मेरी फ्रेंड है निशा, उसके साथ जाती हूँ, मम्मी के साथ जाती हूँ, तो भी एक बार थोड़ा इंटरेस्ट से हो जाता है. अभी विक्की के साथ जाओ तो विक्की कोई बोलता भी नहीं है. और एक्चुअली में आज कलेक्शन कुछ इतना खास था भी नहीं, तो फिर हम लोग अभी जल्दी निकल गए. 1 घंटे में तो हम वापस ही आ गए. मतलब सिर्फ हमने पता है क्या लिया आज मॉल से, सीजर्स लिए. मेरी मम्मी को सीजर्स चाहिए थे किचन के लिए, दैट्स इट. उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया है. और अभी दूसरी चीज़ मैंने क्या, ये जो मैं अभी पहनी हुई हूँ ना, ये मैंने फरवरी में लिया था ड्रेस, और ये और साथ में एक और मैंने ड्रेस लिया था. तो ये कलेक्शन मुंबई वाले वेस्ट साइड में आके चला गया है और ये अब यहाँ पे आया है भोपाल में. तो फिर मुझे ये भी लगा कि फिर मैं अभी जाने वाली हूँ मुंबई, तो मैं सोच रही थी मुंबई जाके ही लूँगी, क्योंकि वो जो मेरे घर के पास में वेस्ट साइड है ना, वो दिन में मस्त खाली पड़ा रहता है. मैं और हम मेरी फ्रेंड हम जाते हैं आराम से, चिल मारते हैं वहाँ पे, अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, या लाइन भी लगी रहती है, क्यों भी थी. तो फिर मैंने कहा छोड़ो अभी वहीं जा ही रही हूँ तो वहीं से लूँगी फिर जो भी मुझे लेना होगा. तो ऐसा इसलिए भी मैंने फिर नहीं लिया. मैं कल मॉल में आने के बाद आप लोगों से अभी मिल रही हूँ. व्लॉग को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करती हूँ. मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं पेपर फ्राई की, जो कि बहुत टाइम से आई हुई है. फरवरी में आ गई थी ये, बट क्योंकि मैंने फरवरी में मुंबई से आने के बाद कोई व्लॉग नहीं किया है, सिर्फ वो टीम ट्रैवल व्लॉग किए हैं, और मार्च में मैंने कोई व्लॉग नहीं किया तो मैंने आपको दिखाया नहीं. मैं दिखाती हूँ. सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये. This is from Two Mustache से है ये. तो ये उर्ली है और इतनी अमेजिंग क्वालिटी की है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी की. आप देखो प्रॉपर जो साउथ वाले जो होते हैं ना वो है, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव है. दिस इज़ फॉर ₹1900. मुझे जो पसंद आई थी ना वो थी नीचे ना बहुत प्यारे से हाथी बना हुआ था और हाथी के ऊपर ये उर्ली रखी थी, बट वो 5000 की थी, तो मुझे लगा यार इतनी एक्सपेंसिव नहीं लेना है. तो दिस इज़ फॉर ₹1900 और ये इतनी हैवी है कि मतलब आपको सिर्फ टच करके समझ में आ जाएगा कि वाई दिस इज फॉर 1900. आई नो दिस इज एक्सपेंसिव, आप 500, 600, 700 में भी उर्ली खरीद सकते हो मिट्टी की और अदरवाइज, बट मुझे ब्रास चाहिए था प्रॉपर, एंड क्योंकि वो पानी आप रखते हो ना तो खराब नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग रन के हिसाब से मुझे चाहिए थी. और मुझे ऐसी कुछ कॉम्पैक्ट सी चाहिए थी कि मैं सेंटर टेबल पर रख सकूँ या भगवान के पास रख सकूँ. सो दिस इज ब्यूटिफुल. अब द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, इसको मैंने ओपन करके देख लिया था वैसे. एक इस तरीके की ट्रे है, प्लेट बोल सकते हो, ट्रे बोल सकते हो, जिसमें दो ऐसे बाउल्स आए हैं. ठीक है, एक बाउल एकदम पैक है तो मैं खोल नहीं रही हूँ इस तरीके से. तो आप चटनी वगैरह, समोसे, पोहा, एंड दिस इज वेरी हैवी. ठीक है, तो ये पेपर फ्राई से आया है. आई डिड नॉट पे फॉर दिस, मैंने अपनी चॉइस से मंगवाया है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ट्रे, बहुत ही ब्यूटीफुल सिरेमिक की ट्रे है ये. तो आप सर्विंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, या आप सेंटर टेबल पे कुछ भी रखने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो डेकोरेटिव पर्पज से. दिस
वेरी ब्यूटिफुल, लुक एट दिस, काफी अच्छा लग रहा है ये। काफी टाइम से मेरी ना इस तरह की कुछ चीज पर नजर थी बट मैं ले नहीं पाई थी बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ऐसे दो मंगवाए हैं नाउ, अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा है वो कुछ इस तरीके का आया है। हालांकि मैं इसको मम्मी को ही दिखा रही थी, मैंने कहीं तो मैंने 1.5-2 महीने बाद देखा, अदरवाइज मैं एक्सचेंज कर लेती, बट अब मैं क्या करूंगी। तो अब या तो नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं जो क्ले होती है ना, मोल्डेड या क्ले, उससे इसको चिपका के पेंट करूंगी, ऐसा कुछ तो जुगाड़ कर ही दूंगी। और अदरवाइज ये एज अ बाउल की तरह भी आप यूज कर सकते हो अगर ये ऐसा नहीं हैंडल हुआ तो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो ये है, सैंडविच वगैरह रख के खाने के लिए, यू नो, ऐसी बस प्लेटर वाली चीजें हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, बस इतने ही है, इतने बड़े डब्बे में चार चीजें आएंगी। डब्बा दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा है, ये देखिए, इतने बड़े डब्बे में सिर्फ ही चार चीज आई है। यस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून। टिल देन, बाय।